नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को अंडकोश में सूजन का रामबाण घरेलू उपाय लेकर आए हैं। दोस्तों यह पौधा देख लीजिए, जो यह पौधा है आग का पौधा है। दोस्तों यह पौधा अधिकांश भारत के हर स्थानों पर आसानी से प्राप्त रहते हैं। दोस्तों यह क्योंकि अधिकांश जहां पर ऊंचे स्थान होते हैं, जैसे नदी, तालाब, नहर और जंगल के स्थानों पर आसानी से इसके पेड़ उगे दिखाई देते हैं। दोस्तों अधिकांश यह पौधा जो है नहर और सड़क के किनारे हमेशा खिले रहते हैं। दोस्तों आपको इनके पत्ते से कैसे अपने अंडकोश की सूजन जड़ से ख़त्म करें, दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी नए वीडियो हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों आपको आज हम अंडकोश में सूजन कैसे ख़त्म करें, दोस्तों आज हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों देख लीजिए, जो यह पौधा है आग का पौधा है और इनके पत्ते जो होते हैं बड़े कोमल कोमल होते हैं। दोस्तों इनके जो पेड़ होते हैं, अगर आप नमी के स्थान पर छोटे से इनके पौधे को उखाड़ कर लगा देते हैं अपने घर पर जहां पर नमी होती है, तो वहां आसानी से लग जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यह पौधा हमने अपने घर पर आसानी से लगाए हैं और इनके पेड़ जो हैं अभी देख लीजिए पतले हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो दोस्तों आपको इसका कैसे प्रयोग करना है अपने अंडकोश पर, ताकि आपके अंडकोश में सूजन जो रहे जड़ से ख़त्म हो जाएं। दोस्तों आपके अंडकोश में सूजन क्यों होते हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर बच्चे जो होते हैं आजकल अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें चोट लग जाती है गेंद से, तो वहाँ पर कुछ लापरवाही के कारण, तो दोस्तों ऐसे हालत में उनके अंडकोश में सूजन आ जाती है और वे सूजन होने के कारण काफ़ी परेशान होते हैं, बार बार दर्द की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसे हालत में आप फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ताकि आपके अंडकोश में किसी भी प्रकार की चोट ना आए। दोस्तों अगर आपके अंडकोश में चोट लग जाती है तो वहाँ पर सूजन हो जाते हैं और बार बार आपके अंडकोश में जो सूजन रहती है दर्द करती है। तो दोस्तों आपको कैसे ठीक करना है, दोस्तों आपको आग के केवल दो पत्ते तोड़ लेना है। दोस्तों आपको दो पत्ते तोड़ लेना है, देख लीजिए कि हम कैसे आपको तोड़ रहे हैं। तोड़ेंगे तो आप उसमें से दूध निकलने लगेंगे। दोस्तों आपको दो पत्ते केवल तोड़ना है, और दो पत्ते कब तोड़ना है, आपको शाम को दो पत्ते तोड़ना है। दोस्तों आपको सुबह नहीं तोड़ना है, शाम को दो पत्ते तोड़ना है। और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, दोस्तों आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। दोस्तों सरसों का तेल या अरंडी का तेल ले सकते हैं। दोस्तों जो भी आपके घर पर रहे वही आप प्रयोग करें, और आपको दो पत्ते को तल देना है। दोस्तों आपको गर्म करना है, अरंडी का तेल हो या सरसों का शुद्ध तेल हो, दोस्तों उसमें आपको इनको तल देना है। दोस्तों तलने के बाद आपको रात में सोते समय दोस्तों आपको बांध देना है अंडकोश पर, जहाँ पर आपके सूजन हो अंडकोश में, वहाँ पर आप इसे बांध लीजिए। दोस्तों सारी रात आप बांध कर छोड़ दें, और दोस्तों आपको सुबह इसे निकाल कर फेंक दें। दोस्तों आपको लंगोटे या सूती वस्त्र से बांध देना है। दोस्तों सारी रात बांध देने के बाद सुबह आप निकाल कर फेंक दें। दोस्तों ऐसा अगर आप 3 से 4 दिन रोज़ाना करते हैं तो आपके अंडकोश में सूजन जो रहेगी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो
यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।